दिवाळी म्हणजे दिव्यांचा उत्सव. अशा रोषणाईच्या जगमगाटामध्ये आपल्याला दिव्यांचं तेज तेवढं जाणवतही नाही, पण जेव्हा हे काहीच नव्हतं तेव्हा साहजिकच माणसाच्या आयुष्यामध्ये दिव्याला अत्याधिक महत्व होतं. अंधाऱ्या समयी प्रकाश देण्याचं काम करणारं साधन म्हणजेच दिवा, आणि म्हणूनच त्याचं स्थान आणि महत्व आढळे. अशाच प्रकारे दिवे बनवणाऱ्या कारागिरांना सुद्धा प्रकाशझोतामध्ये आणण्यासाठी भोपाळमध्ये एक अनोखा उपक्रम घेण्यात आलाय. पाहूया त्यावरचा खास रिपोर्ट. ही दृश्य आहेत भोपाळ मधल्या दीपोत्सवाची. भोपाळच्या गोपाळ महल मध्ये हा दीपोत्सव घेण्यात आलाय. 2011 पासून दरवर्षी हा उपक्रम घेण्यात येतो. अगदी सुंदर प्रकारच्या दिव्यांनी आणि फुलांनी भव्य रांगोळी साकारण्यात आली आहे. रात्रीच्या अंधारात त्या दिव्याच्या रांगोळीचा प्रकाश उठून दिसत होता. अनेकांनी यात सहभाग घेतला होता, तर अनेक महिला आणि पुरुषांनी या उत्सवाला हजेरी लावलेली दिसली. अनेक महिलांनी या रांगोळीसोबत सेल्फी घेण्याचाही आनंद लुटला. हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम का ये प्रतिवर्ष का आयोजन है, और ये दीप मेला हम लोग पिछले 25 वर्षों से लगातार करते हुए आ रहे हैं, और जो 2019 दीयों का जो आज अभी कार्यक्रम रखा है ये 2011 से हम लोग ने यहाँ प्रारंभ किया था, और ये 2011 से यहाँ निरंतर इसका आयोजन कर रहे हैं. तो इस आयोजन से एक मेले का शुरुआत होती है, और ये दीप मेला जो यहाँ पर लगा हुआ है इसमें प्रदेश के 28 जिलों से करीब 60 कारीगर यहाँ पर आए हैं. और इस मेले की ये विशेषता है कि इस दीपों के त्यौहार में मेले के अंदर छतरपुर, मंडला, बैतूल, होशंगाबाद, ग्वालियर, उज्जैन, देवास के कारीगर मिट्टी के दिए लेके आए हैं, और ये करीब 60 से 70 प्रकार की यहाँ पर डिज़ाइन दियों की है. कि अब बाज़ारों में चाइना के दिए या जो झालर यहाँ पर हिंदुस्तान में बिकने लगी हैं, लेकिन इसको हमने मिट्टी के जो दिए तैयार करे हैं इसमें एक तो कारीगरों को रोजगार मिलता है. दिवाळी अगदी काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. घरोघरी दिवाळीची तयारी ही सुरू झाली आहे. लोक आकाश दिवा आणि दिव्यांची खरेदी करायला सुरुवात करतात. आजकाल चायनाचे प्लास्टिकचे दिवे लाइटिंगचा ट्रेंड आहे, त्यातच मातीच्या दिव्यांची परंपरा मागे पडत चालली आहे, आणि त्यासाठीच या कारागिरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा उत्सव घेण्यात आला होता. और मैंने यहाँ पर दिवाली के दियों की शॉप लगाई है. डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के दिए हैं हम लोगों के पास, बहुत सारी वैरायटी हैं दियों की, और कम से कम रेंज में दिए मिलेंगे. 5 रुपीज़ से स्टार्ट हैं, और आजकल वैसे भी लोग चाइना के दिए ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पर हमने मिट्टी के दिए के महत्व को बढ़ाने के लिए ज़्यादातर मिट्टी के दिए ही बनाए हैं. सारे हमारे पास सारे मिट्टी के दिए हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि लोग बागे मिट्टी के दिए ज़्यादा यूज़ करें चाइना के दियों को छोड़ के. दिए बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है. पहले हम कच्चा माल लाते हैं, फिर उनको वॉश करते हैं, फिर उनको कलर करते हैं. अलग अलग तरीके के कलर होते हैं, उनको काफ़ी टाइम लगता है सुखाने में. फिर उनको डेकोरेट करना पड़ता है, फिर उनके ऊपर स्टोन वर्क होता है अलग से, फिर एक पॉलिश किया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो. उन्हें सबके बाद उन्हें पैक किया जाता है. और कई प्रकार के हैं, जैसे कि गुड़िया दिया है, और नारियल दिया है, मैजिक दिया है, और कछुआ दिया है, और चूहा दिया है, अगरबत्ती स्टैंड है, और कई प्रकार के दिए हैं. जैसे कि 8-10 प्रकार के दिए हम बनाते हैं अपने हाथ से जी. अब तो मैं से मार्केटों में हैं, तो मिट्टी का दिया तो कोई पूछता नहीं है, क्योंकि चाइना दिया एक से बढ़ के आ गया है. क्योंकि चाइना दिया है तो उनके जी चमक रहा है, ये अच्छा होगा मिट्टी का दिया. लेकिन जो अब ये नहीं जानते कि अपनी परंपरा है मिट्टी, और मिट्टी के दिए पहले से भी जो अपने पूर्वजों, पिताजी, दादाजी, अन्य सब ने बनाया उसको, कि भाई मिट्टी का दिया शुभ होता है, माँ लक्ष्मी मिट्टी के दिए को सब माना जाती है. बाकी चाइना तो सभी ऐसा है कि चाइना चाइना सब चिल्ला रहे, लेकिन उसमें है सिर्फ मिट्टी का मत होता है. हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम यांच्याकडून हा उपक्रम दरवर्षी घेतला जातो. या मेळाव्याला यात्रेचं स्वरूप आलेलं पाहायला मिळालं. सजावटीच्या वस्तूही इथं मिळतात. वेगवेगळ्या आकारातल्या पणत्या आणि दिवे बनवलेले आहेत. कारागिरांनी बनवलेल्या सुंदर वस्तू अनेकांचं लक्ष वेधून घेत होत्या. ऋतुजा पुजारी सह ब्युरो रिपोर्ट, AM न्यूज.